हेलो एवरीवन। तो आज बना रहे हैं बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी चाट। बिल्कुल घर की बेसिक चीज़ों के साथ हम इसे बनाकर तैयार कर पाएंगे और आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इसे हमने इतने कम टाइम में और इतनी कम चीज़ों के साथ बना के तैयार किया है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ख़रीदना नहीं है इसमें और बिल्कुल झटपट से बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए ये सुबह की बची हुई रोटी थी, ये देखिए। तो इसे हम काट लेंगे, इसे रैंडमली ही काटना है, इसे पर्टिकुलर कोई शेप नहीं देना है, बस कैसे भी हमें काट लेना है क्योंकि हमें इसे तलना है। तो ये देखिए, इसको काट रही हूँ मैं और इसको यहाँ पे काट लिया है। और इधर देखिए, इधर गैस के ऊपर मैंने तेल चढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम इस रोटी को तेल के अंदर डाल के और बिल्कुल क्रिस्प होने तक तलेंगे। यहाँ पर देखिए उलट पुलट के, और यहाँ पे देखिए रोटी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो चुका है। तो अब हम रोटी को निकाल लेंगे और रोटी बहुत अच्छा क्रिस्प हो चुका है। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, वापस से एक बार फिर से डालेंगे हम बची हुई रोटी को और बिल्कुल ऐसे ही हम इसे भी तल लेंगे। यहाँ पे देखिए रोटी को तल के मैंने निकाल लिया है और ये बहुत अच्छा क्रिस्प हुआ है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हुआ है ये, बिल्कुल जैसे पापड़ी हम बनाते हैं चाट का, बिल्कुल वैसा हो चुका है ये। तो अब चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिंग के लिए ये देखिए, इस प्लेट में मैंने सबसे पहले पापड़ी को रख दिया है। हर देखिए इस प्लेट में मैंने बॉयल्ड आलू थे उसको बारीक कट कर लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है मैंने। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद अब इस मिक्स को हम पापड़ी के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पापड़ी के ऊपर ये जो आलू बना के रखा है मैंने, इसको डाल रही हूँ मैं, ये देखिए इसको डाल दिया है। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं यहाँ पे भुना जीरा पाउडर डाल रहे हैं, स्प्रिंकल कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद हम इसके ऊपर से डाल रहे हैं दही, दही को डाल रहे हैं। और दही को डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा मटर, आजकल मार्केट में बहुत ताज़ा मटर मिल रहे हैं। तो इसको बहुत हल्का सा मैंने बॉयल किया था, बहुत थोड़ा सा इसको उबाला था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया ये उतनी देर में। इस चाट में बहुत ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं किया है, बिल्कुल तुरंत से ये चाट बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत हल्का सा उबाल के यहाँ पर हरा मटर डाल रहे हैं हम, और हरा मटर डालने के बाद अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर आप या तो मीठी चटनी डालिए या फिर आपके पास मीठी चटनी नहीं है तो सबके घरों में टोमेटो सॉस होता है तो वो डालिए। यहाँ पे आप चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने हरी चटनी नहीं बनाई तो वो नहीं डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे मीठी चटनी या सॉस डालिए। और इसके बाद डालेंगे भुनी हुई मूँगफली और इसके ऊपर से डाल रहे हैं बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो तीखा आप जितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए। और इसके बाद इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और अब इसके ऊपर से डाल रहे हैं हम फिर से एक बार दही, ये देखिए। और दही के ऊपर से एक बार फिर से मैंने भुना जीरा पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं नमकीन, तो कोई सी भी नमकीन जो आपके पास हो, आप चाहे तो सेव भुजिया डालिए, यहाँ पर मिक्स नमकीन थी मेरे पास तो मैं वही डाल दे रही हूँ। और एक बार फिर से इसके ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, आप चाहें तो थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ें हमने ऊपर से और भी डाली हुई हैं। कितना भी टेस्टी चीज़ हो अगर नमक फीका हो तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता, तो स्वाद के हिसाब से नमक ज़रूर उस हिसाब से डालिएगा। और ये हमारी चाट बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल झटपट से बनने वाली चाट, कोई ताम झाम नहीं, बिल्कुल इसे 10 से 15 मिनट में मैंने बना के तैयार किया है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी चाट है। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आप इतने कम टाइम में इतनी टेस्टी चाट बना के तैयार कर पाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।